Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28 September of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जो है उसके मेन सिक्स ऑर्गन्स जो हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन से मेन उसके ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सीबीआई डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, सीबीआई डायरेक्टर जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे कमेंट जरूर करें। और अगर आप अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, इंडस्ट्रियल फार्म हर्ड इम्यूनिटी सेहत वर्धन। ही वॉच अगेंस्ट रूटीन यूज ऑफ रेमडेसिविर प्लाज्मा थेरेपी की एक रूटीन यूज हो गया है। क्या कहते हैं ये जो रेमडेसिविर, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इस क्या कहते हैं ड्रग के बारे में, एक दवाई के बारे में। और प्लाज्मा थेरेपी जो इस वक्त बहुत इंडिया में यूज़ हो रही है, क्या कहते हैं कोविड पेशेंट्स को, जो इल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए क्योर करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होती है जिसके कारण वो जल्दी ठीक होने लगते हैं, उनके अंदर रिकवरी जल्दी दिख जाती है। इसमें कहा गया है कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने संडे को कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पहला कोविड-19 सीरो सर्वे हुआ जिसने शुड नॉट क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेंसी अमंग द पीपल विद रिगार्ड टू द वायरस। कि उन्होंने एक अपने सोशल मैसेज मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि संवाद थ्री डॉक्टर वर्धन सैड इंडिकेशन फ्रॉम द अपकमिंग सेकेंड सीरो सर्वे, जो सेकेंड सीरो सर्वे है उसमें इंडिया इज फार फ्रॉम हैविंग अचीव्ड एनी काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, की इंडिया बहुत दूर है किसी तरह की हर्ड इम्यूनिटी होने से। तो हम लोग देख लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। क्या कहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पे दी लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आप देखते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। हर्ड इम्यूनिटी एक स्टेज होता है एपिडेमिक का जहाँ पर सम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन। दिस कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ दोस अराउंड देम हैविंग ऑलरेडी डेवलप्ड इम्यूनिटी। कैसे, जैसे कुछ लोगों के अंदर, जैसे एक एक ग्रुप है उसमें कुछ लोग हैं तो उसमें से कुछ लोगों को कोरोना हो गया, जैसे इनको कोरोना हो गया, इनको कोरोना हो गया, इनको हो गया, तो बाकी जो ये दो लोग बचे, ये दो लोग, ये लोग इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी इनके अंदर आ गई। क्योंकि अगर ये लोग कोरोना इनको हो गया इनके अंदर, फिर ये ठीक हो गए तो उसके बाद ये इनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो गए जिसके कारण ये इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे, तो इससे इन्फेक्शन नहीं फैलने के कारण ये दोनों लोग कोरोना से बच जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है हर्ड इम्यूनिटी। तो सो एवरी वन इन द पॉपुलेशन डज नॉट नीड टू गेट इन्फेक्टेड। तो इसका मतलब ये कि हर कोई पॉपुलेशन ग्रुप में, ये जरूरी नहीं कि सभी को कोरोना हो। वंस अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड एंड दस बिल्ड्स इम्यूनिटी द एपेडेमिक बिगिंस टू स्लो डाउन इवेंचुअली स्टॉप। इसी तरह अगर कुछ अमाउंट में लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, इससे इम्यूनिटी जनरेट होती है, बिल्ड होती है और ये क्या कहते हैं एपिडेमिक धीरे धीरे कम होने लगता है, इन्फेक्शन कम होने लगते हैं और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंट्स नोडल ऑफिसर्स टू कर्ब स्टबल बर्निंग। ओवर 23,000 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन आर गिवन टू फार्मर्स, की जो 23,000 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन दी जा रही है फार्मर्स को, जिसके कारण क्या कहते हैं ये जो स्टबल बर्निंग है उसको रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक नोडल ऑफिसर को। हम लोग देख लेते हैं स्टबल बर्निंग होती क्या है। क्या कहते हैं दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि डिकम्पोजिशन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिसके कारण स्टबल बर्निंग रोकनी चाहिए, जैसे कल हमने बात की थी। तो हम लोग देख लेते हैं स्टबल बर्निंग को, देख लेते हैं क्या होता है स्टबल बर्निंग एंड पॉल्यूशन। ये जैसे हमने देखा था कि दिल्ली की मेट्रोलॉजी और क्वान्टिटी ऑफ चाफ जो होता है क्रॉप रेसिड्यू और स्टबल बर्न इन पंजाब और हरियाणा, ये कहते हैं इसके कारण एयर क्वालिटी जो होती है दिल्ली में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और सभी जानते हैं कि वो कैपिटल है, तो जिसके कारण लोग बाहर से आए तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट गलत ना हो, इसके कारण इस तरह की एक्टिविटीज़ रोकनी होगी स्टबल बर्निंग, जिसके कारण वहाँ के रहे लोग भी दिक्कत ना हो लोगों को और जो बाहर से आए तो उनको लगे भी ना कि इतनी पॉल्यूशन है इंडिया में। तो इस तरह की कई वे में सोचने के से कि क्या कहते हैं इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन पंजाब और हरियाणा, राइस शाफ के जो क्लियर करने के बाद, क्लीन ऑफ द राइस शाफ, इसको क्या कहते हैं विंटर बोने से पहले इसे हटाया जाता है, तो जलाया दिया जाता है जो क्या कहते हैं शाफ बचता है राइस का, चावल का जो बचता है क्या कहते हैं, तो उसे जला दिया जाता है। तो यही होता है स्टबल, स्टबल बर्निंग के कारण
जो एयर होती है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकल मैटर्स फ्रॉम द शाफ अलॉन्ग विद अदर रिसोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन दिल्ली की, जिससे और भी पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, उसके साथ साथ अगर इसका पॉल्यूटेंट्स और ये भी मिल जाता है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि सब्सिडीज एंड एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस हैव लेड टू राइस इन द राइस एक्सचेंज, कि इसके कारण जो सब्सिडीज है और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है राइस का, इसलिए वो इतना ज़्यादा होता है। इंक्रीज एंड मॉडर्नाइज फार्म मैकेनिज्म, कि जो इंक्रीज मैके जो एक मॉडर्नाइज मैकेनिज्म यूज होता है राइस, क्या कहते हैं, ग्रेन्स को काटने के लिए, निकालने के लिए राइस, तो उसके कारण शाफ बहुत ज़्यादा निकलता है। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट के तहत कि मैंडेटरी फार्मर्स टू डिले सोइंग ऑफ पैडी टू लेट जून टू डिस्करेज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, की जो बोने की होता है, क्या कहते हैं, समय, अब उसे डिले कर दिया गया है जून तक, क्योंकि जिसके कारण वाटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को थोड़ा रोक सके, कि थोड़ा कंट्रोल में रहे। फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, इन रिजल्ट इट इज एमर्ज दैट द क्रॉप्स रेजिड्यू कंट्रीब्यूशन टू पीएम ओवर दिल्ली इन 2016, की जो मैक्सिमम पीएम बढ़ा था दिल्ली में 2016 में, वो क्रॉप रेजिड्यू जो ये जला था स्टबल, उसके कारण ही बढ़ा था। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें इस तरह के क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग को रोकना होगा, जिससे एक ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को शुरू होगा जो एक हेल्प करेगा रिड्यूस पॉल्यूशन बाय 20 to 30% इन एनुअल पीएम कंसेंट्रेशन बाय 2024। गवर्नमेंट्स का ये भी कहना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रोसिक्यूशन, एक इंसेंटिव्स होंगे फार्मर्स के लिए जो एक ग्रीन मेथड्स यूज करें, पेनालाइज द वंस हु डू नॉट, ये भी किया जाए, जो ना करे ग्रीन मेथड्स यूज उनको पेनल्टी उनके ऊपर लगे। रोल ऑफ लेजिस्लेशन मिनिमल रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम डिक्रीज करें, क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन, ना कि हम उसे बढ़ाएं, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द टाइम के हिसाब से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है सैल्यूटरी लेसन, कि जैसे वेडाफोन केस में हमें देखा कि शोज वाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, कि हमें अंडरमाइन नहीं करना इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जैसे हमने देखा ये वोडाफोन केस में। इसमें वही बताया गया कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जिसने रूल किया, जिसमें कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट टू क्लेम मोर देन 20,000 करोड़ इन टैक्स फ्रॉम वोडाफोन यूजिंग रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन वॉज इन क्लियर ब्रीच, ये पूरी तरह से गलत था, ऑफ द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो पूरी तरह से उसे गलत कर रहा था, जो क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का टैक्स जो वोडाफोन से मांगे थे वो पूरी तरह से गलत था। ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द नीदरलैंड, जो पहले से ट्रीटी है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया एंड नीदरलैंड के बीच में, उसको पूरी तरह से वॉयलेट कर रहा था, तो ऐसे इसमें कहा गया वोडाफोन केस में। तो इसको हम लोग वोडाफोन केस को अलग से देख लेते हैं। वोडाफोन केस, पीसीए डिसीजन ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बाय इंडिया, इन न्यूज़ में इसीलिए कि पीसीए जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हैग में नीदरलैंड में, उसने इंडिया का जो 2007 वाला केस था, डील थी जो, उसके बारे में कहा कि उन्होंने 20,000 करोड़ जो टैक्स मांगा है वोडाफोन से वो पूरी तरह से गलत है, उस तरह का आप टैक्स किसी से नहीं मांग सकते, जैसा ट्रीटी में लिखा था ऐसा दोनों तरफ से एक बायलेटरल ट्रीटर, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात हुई थी। जैसे हमने देखा था मई 2007 में ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो वोडाफोन ग्रुप है उस हैज ब्रॉट अ 67% स्टेक इन अ कंपनी कॉल्ड हटसन वोम्पा, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम रेज किया डिमांड ऑफ कैपिटल गेन्स विद होल्डिंग टैक्स ऑन वोडाफोन, इनकम टैक्स ऑफ 1961 के तहत बढ़ाया गया कैपिटल गेन टैक्स। फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया फेवर ऑफ द वोडाफोन ग्रुप ने, लेकिन फिर से फाइनेंस एक्ट अमेंड किया गया 2012 में, जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द पावर टू रेट्रोस्पेक्टली टैक्स सच डील्स। फिर रूलिंग में यह आया कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उसने रूल किया कि गवर्नमेंट डिमांड इज इन ब्रीच ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो पूरी तरह से वॉयलेट करती है एक फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट देने से, क्योंकि क्या कहते हैं, सभी जानते हैं कि वोडाफोन एक नीदरलैंड की कंपनी है। आप किसी दोनों कंट्रीज के बीच में एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, जो आप ब्रेक कर रहे हैं अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स इसी से मांग रहे हैं। तो इसमें यह भी कहा गया अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन हैड नॉट पेड द इनिशियल टैक्स डिमांड, कि वोडाफोन ने शुरुआत के जो टैक्स डिमांड है उसे पूरा नहीं किया है, इंटरेस्ट और पेनल्टी को भी पूरा नहीं किया है। इंडिया हैज़ द ऑप्शन टू मूव टू सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडिया के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये इट अलाउज अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सेशन सर्टेन पीरियड,
प्रोडक्ट्स, जैसे कि कंट्री के पास पावर होती है वो किसी भी प्रोडक्ट्स या आइटम्स या सर्विस या डील्स या चार्ज कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा सके किसी भी अमाउंट में। उसका मतलब होता है रेट्रोस्पेसिफिक टैक्सेशन। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है कि 6 नवंबर 1995 को इंडिया और नीदरलैंड ने एक साइन की थी बिट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज ऑफ ईच कंट्री की, दोनों साइड की कंपनीज कहते हर अपनी अपनी के अलग अलग एक दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकेंगी, बढ़ा सकेंगी अपना एम्पायर, तो इस तरह के लिए ट्रीटी से बनाया गया था। ये एक्सपायर हुई है 22 सितंबर 2016 को। रिलेशन टू वोडाफोन केस की, जैसे हमने देखा ये रिलेशन केस था कि जो अभी इंसिडेंट हुआ वोडाफोन केस, उस पर इसी ने क्या कहते हैं अपना डिसीजन दिया है। क्या कहते हैं इस ट्रीटी में के तहत बताया गया कि इस ट्रीटी में ही जो क्या कहते हैं कहा गया था एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी कि दोनों कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, इससे स्टेब्लिश किया गया था 1966 में, एक सब्सिडरी बॉडी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की और को लीगल बॉडी यूनाइटेड नेशन की जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉस देखती है। इट अडॉप्टेड द यूनिट्रल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमन आर्बिट्रेशन। ये यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये रिकमेंड करती है मॉडर्न लॉ और रूल्स जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो उसको वहाँ ख़त्म करने के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वोडाफोन की अगर जीत हुई है इसमें आर्बिट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये एक मेजर रोल प्ले करेगी। सिमिलरली प्लेस कंपनीज टू सीक आर्बिट्रल रिलीज की, इसी तरह और भी कंपनीज के ऊपर अगर इस तरह का टैक्स लगता है तो उनको कैसे फ्री होना है वो अभी देख सकेगी कि कैसे उनके खिलाफ जो अगर डिसीजन है तो कैसे उनको एक्शन लेना है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल पैनल है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एक्सपर्ट्स का। ये कंप्राइज करता है 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन और नेशनल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज के हिसाब से इन्हें सेट किया जाता है। इस्टेब्लिश किया गया था 1899 में। इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में। पर्पस यही है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके ऊपर देखना कि कोई इशू तो नहीं, कोई डिस्प्यूट है नहीं, उसको ख़त्म करना। स्ट्रक्चर 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ये पॉलिसीज और बजट्स को देखता है। मेंबर्स ऑफ द कोर्ट्स ये पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोटेशनल आर्बिट्रर्स है इंटरनेशनल ब्यूरो। इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया नीड टू क्रिएट क्राफ्ट मीनिंगफुल एंड क्लियर डिस्प्यूट, कि इंडिया को एक क्लियरफुल और मीनिंगफुल डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन है उसको क्लियर करना चाहिए। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है उसको देखना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डिस्प्यूट तो नहीं रहेगा, और इम्प्रूव करना चाहिए आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम को। वही पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि दूसरे देश की कंपनियां भी यहाँ पे आराम से बिजनेस कर सकें, इसलिए इस तरह के इन्वायरमेंट को लाना होगा। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है डायग्नोजिंग व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। तो इसमें है कन्फ्यूजन ओवर पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ये पूरी तरह से क्वालिटी इक्विटी और इंटीग्रिटी को डैमेज कर रहा है, इसमें यही बात की गई है। इन्हें ब्रीफ एरा में जैसे कहा गया कि मेडिकल एजुकेशन स्टेट दैट एम इज टू ट्रेन हेल्थ केयर प्रॉपरली, कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको प्राइमरी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग प्राइमरी केसेज और सेकेंडरी हॉस्पिटल की। प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इसके लिए हमें जो हेल्थ सर्विसेज सेक्टर्स हैं जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स नर्सेस इस तरह के जो हेल्थ सेक्टर्स में वर्क करते हैं लोगों को, उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने देखा है कि हमें इस तरह की हाई क्वालिटी मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन की हमें ज़रूरत है, जो एक्सपेंसिव तो है लेकिन ज़रूरत भी बहुत है लोगों को। प्राइवेट एंटिटीज जो इस वक्त जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हो गए जो प्राइवेट केयर सेंटर्स हो गए उनके पास जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट क्या कहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हॉस्पिटल्स को होनी चाहिए, तो क्या कहते हैं इस तरह की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसमें ये भी कहा गया है, इसमें ये भी कहा गया है नन ऑफ द 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन अभी तक प्राइवेट सेक्टरिज्म जो है जो लेवल का है वहाँ तक पहुँच पाए हो। जैसे हमने देखा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड होती है, लेकिन पुअर क्वालिटी एजुकेशन एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं होता जो आजकल गवर्नमेंट क्या कहते हैं आजकल के हमेशा ही से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो हमेशा ही से अच्छे थे। तो क्या कहते हैं उस तरह की लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, और क्या कहते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट। जिसे हमने देखा कि नीट अभी हुआ है तो
नीट में हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट की नीट के कारण काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट इम्प्रूव किए, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, स्कोप जो कहते हैं क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं एक तरह से बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लंबा एग्ज़ाम भी होता है, तो उसमें हर चीज़ हर फील्ड में चेक किया जाता है आप कितना एफिशिएंट है क्या कहते हैं सेलेक्ट होने के लिए। तो और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को देख लें तो वो नॉर्मल किसी को भी ले लेते हैं, बस आपको डोनेशन मिलना चाहिए तो वो ले लेते हैं। तो लास्ट में एक आ गया है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम इन अचीविंग क्वालिटी इक्विटी एंड इंटीग्रिटी इन एजुकेशन, कि क्वालिटी इक्विटी और इंटीग्रिटी एजुकेशन बनाने के लिए, मेनली मेडिकल एजुकेशन बनाने के लिए, तो इस तरह की पॉलिसी हमें लानी होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिडर एजुकेशन अ कंज्यूमर गुड विच कैन बी सोल्ड टू द हायर बिडर, कि जो अदर वे में हम देख सकते हैं कि इस वक्त लोग इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हो गई है कि प्राइवेट कॉलेजेस को ही देख लीजिए कि वो एजुकेशन को ऐसा समझते हैं, एक कंज्यूमर गुड समझते हैं, जो कहते हैं जो जितना ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो मिल जाएगी। तो इस तरह से लोग सोचते हैं प्राइवेट, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो इस तरह के हमें नहीं बनाना है, इस तरह की पॉलिसीज को हम लोगों को वायलेट करना है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है द बेनिफिट्स ऑफ अ कार्बन टैक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राइसिंग द कार्बन कंटेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट विल हेल्प कट इन्फ्लुएंस, कि कार्बन कंटेंट्स, कार्बन देख लेते हैं इसको, इन्फ्लुएंस को देख लेते क्या होता है, अलग से देखते हैं हम लोग। कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्लानट को, ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एमिशन इन द एटमोसफेयर, ये ऑफ कोर्स कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, जब बर्न किए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। हमारा टेम्परेचर भी आजकल जो इतना ज़्यादा चेंज करता है, जैसे इस वक्त इतनी गर्मी गर्मी रहती है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं बारिश का मौसम बहुत कम रहा, क्या कहते हैं जहाँ बारिश हुई तो वहाँ बारिश ही बारिश हुई, तो इस तरह का जो एटमोसफियर चेंज हो रहा है इस वक्त, क्या कहते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है मैक्सिमम। इन्फ्लुएंट क्या होता है, इन्फ्लुएंट एक आउटफ्लोइंग वाटर और आउटफ्लोइंग ऑफ वाटर या गैस होता है, नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर जो सच एज वॉश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर पाइप, इंडस्ट्रियल आउटफ्लो। इन्फ्लुएंट इन इंजीनियरिंग मतलब होता है स्ट्रीम एग्जिस्टिंग अ केमिकल रिएक्टर, कि स्ट्रीम एग्जिस्टिंग अ केमिकल रिएक्टर जो किसी भी इस तरह से वॉश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इससे जो क्या कहते हैं वाटर फ्लो करता है उसे ही इन्फ्लुएंट कहा जाता है। तो उसमें वही बताया गया, जैसे कि चाइना लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है, क्या कहते हैं ये उसने ये भी कहा है कि 2060 तक वो बैलेंस कर लेगा अपना विथ मेजर टू ऑफसेट देम बिफोर 2060। इसमें ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड हीट वेव जैसे दिल्ली में फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट चाइना के हिसाब से, तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ फॉलन वर्ल्ड वाइड, कोविड-19 आउटब्रेक के कारण एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया, क्योंकि लॉकडाउन था उसके बाद, उसके कारण लोग घर में ही थे, व्हीकल्स नहीं चले, फैक्ट्रीज बंद थी, तो उसके कारण एयर पॉल्यूशन उस वक्त बहुत ज़्यादा क्वालिटी, उस वक्त क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। इंडिया इज कमिटेड टू 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, कहते इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया ने 40% तक इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी तक कन्वर्ट होने की बात की गई है। बिग इकोनॉमिक जैसे इंडिया वो यूज़ करती है ग्लोबल मोनोस्पोनोनी या पावर ऑफ लार्जर बायर इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके कारण कार्बन ट्रैफिक या इन्वेस्टिगेट बाय यूएईयू फोकस करता है वेटली कि रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक कार्बन कंटेंट, जो प्रोडक्शन अलोन का कार्बन कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे जो लीडिंग एमिटर्स हैं शुड यूज देयर क्या कहते हैं डिप्लोमेसी, मोनोपसोनोमी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जिससे वो क्लाइमेट कोलिशन को पार्टनर कर सके, जिससे जो कार्बन कंटेंट्स हैं इनको रोकने के लिए इस तरह की कई पॉलिसीज लानी होगी, तभी हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।